हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ अपने इस छोटे से गार्डन में, और मैं तोड़ रही हूँ साग। तो शादी के चक्कर में साग वाग कुछ बनाया नहीं, तो अब मैं साग तोड़ने आ गई हूँ। तो मैं तोड़ रही हूँ साग, काट रही हूँ पालक। तो मैं काट रही थी पालक, और पालक काट लूँगी। और अब हो गया है काफ़ी बड़ा, ये दो दोबारा जो उगाया था वो वाला पालक है। और काट लेती हूँ मतलब मेथी। तो यह भी एक क्यारी में कहीं कहीं पालक के पेड़ बड़े हो रहे थे, तो मैंने उनको काट लिया है पहले। फिर काट रही हूँ सरसों, यानी कि साग जो बनाते हैं, सरसों, पालक व मेथी। तो सारी ही चीज़ें मेरे गार्डन में हैं, और तो मैं सभी को काट रही हूँ। और मुझे बनाना है साग, तो मैंने सोचा पहले मैं काट लेती हूँ और फिर मशीन में काट लूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो पहले साग को कट करके रख देती हूँ, और उसके बाद मुझे नहाना धोना है। तो पहले मैं इसको निकाल रही हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ सरसों में फूल भी आ गए हैं, जिसको हम तोड़ नहीं पाए जल्दी से, तो उसमें फूल आ गए हैं। लेकिन काफ़ी सारी अच्छी वाली भी है, तो मैं अच्छी अच्छी काट रही हूँ। तो यह है मेरी ही मेहनत का है ये साग, और मैं नहीं इसमें समय दे पाई। तो आप देख सकते हैं कुछ घास भी इकट्ठी हो गई है, और इधर इधर है मेथी। तो ताज़ा ताज़ा मेथी भी काट रही हूँ, पालक भी काटा है और सरसों भी काटी है। और आप देख सकते हैं ये बथुआ भी है जो साग में यूज होता है। तो एक क्यारी में मैंने बथुआ भी डाला था, इसके बीज डाले थे, तो वह भी उग आया है। यह भी साग में डलता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी साग बनता है। जो गांव में बनाते हैं उसी तरह का बनता है। तो आप देख सकते हैं मेथी है, पालक है, सरसों है, और बथुआ जो मेन चीज़ होती है साग की, वह सारी चीज़ हैं। और आप देख सकते हैं इतना सारा, इतना टेस्टी और इतना ताज़ा वाला साग है ये। मतलब टेस्टी बनेगा, इतना ताज़ा वाला साग है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पत्ते लग रहे हैं ना। और यह वाली सरसों मैंने फिर से बो दी है, आप देख सकते हैं, जो यह भी उग के पत्ते छोड़ने लगी थी। और अब मैं नहा धो ली थी, और नहा धो के आ गई थी किचन में, और मैंने साग को बनाने रख दिया था। तो कुकर में बना रही हूँ, और नमक डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, और लहसुन डाल दिया काट के। तो इसको थोड़ा सा खुला बनाऊँगी, उसके बाद मैं इसको बंद करूँगी। तो ये इसका कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, और अब लगाऊँगी इसमें मैं 2 सीटी। और 2 सीटी के बाद ही ये बन जाएगा, यानी कि गल जाएगा। और इधर रख दिया है मैंने पानी को गर्म करने के लिए, उधर मेरा साग बन रहा है, और इधर मैंने पानी को गर्म कर लिया है, और इधर आटा भी निकाल लिया है। तो गर्म पानी से मैं आटा गूंथूंगी। तो नमक डाल दिया है आटे में, और इधर सीटी लग गई है साग में, और मैंने आटा भी गूंथ लिया है। तो गर्म पानी से एकदम अच्छा वाला आटा गूंथा जाता है सर्दियों में। तो मैंने ये आटा भी लगा दिया है, और आप देख सकते हैं तो सही, ये साग मेरा बनने ही वाला है। तो हमें साग बहुत ज़्यादा पसंद है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हम साग खाते हैं अपने मतलब घर में। सभी को पसंद है, बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। और बना लेती हूँ रोटियाँ, और मैं रोटी की सारी क्लिप नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ मतलब मैं बना लूँगी अभी। और आप देख सकते हैं तो सारी चीज़ें बन रही हैं, और मतलब देख आप देख सकते हैं तीनों बच्चों के लिए मैंने साग निकाल लिया है कटोरी में, और घी डाल दिया है। और घी के बगैर तो साग अच्छा लगता ही नहीं है, तो सबको डाल दिया है घी। और मैं खाना दे देती हूँ अपने तीनों बच्चों को। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, हमारे घर में जो शादी थी वो हो गई है समाप्त। तो मतलब बिटिया को एक बार लेके भी आ गए और विदा भी कर दी है। तो अब शादी का कोई भी काम नहीं रहा है, शादी हो गई है ख़त्म। अब मतलब अब शादी का काम हो गया है ख़त्म। तो अब आ जाते हैं अपने काम पर। तो मैं अपने काम पर अब पूरा फोकस करूँगी, और मतलब मेरी वीडियो व्लॉग मतलब कुछ ऐसे ही जा रहे थे, लेकिन गैप हो रहा था उनमें। तो आगे से ऐसा नहीं होगा, कोशिश करूँगी। और इतने अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट आ रहे हैं सभी के, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और कुछ तो मतलब मेरे ऐसे हैं मतलब सब्सक्राइबर हैं, जिनको मैं उनकी वीडियो पर मतलब ऐसी परेशानी में नहीं जा पाई हूँ, तब भी वो मेरे चैनल पर आते रहे हैं। लेकिन उनके कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है, तो उनको दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही आप मेरे चैनल पर आते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, सॉरी।
और वीडियो देख कर लाइक भी जरूर किया करें। तो दोस्तों मतलब हाँ, जो भी काम होता है घर का वो हो गया ख़त्म, और थकान इतनी हो गई है कि हर रोज़ मतलब काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है घर का, क्योंकि जब शादी होती है ना तो बहुत सारी थकान हो जाती है और मुश्किल से ही मतलब शरीर को आराम मिल पाता है। तो अब मतलब हर रोज़ का जो रूटीन होता है घर का काम करने का, अब तो वही रहेगा। और वह हर रोज़ मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे व्लॉग लेकर के आऊँ, और आई होप आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों घर का सारा काम हो चुका है और जो बचा है उसको कर लेती हूँ, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आगे के काम कर लेती हूँ। तो मेरे कपड़े सुखाने बचे हुए थे, तो मतलब गर्म कपड़े धोए थे मशीन में, तो उनको मैं सुखाने आ गई हूँ छत पर। और बाकी सारे काम हो गए थे, कपड़े सुखाने बचे थे तो मैं इनको सुखा देती हूँ। और समय हुआ है 2:30 बज रहे हैं और इनको मैंने सुखा दिया है, तो धूप कम ही निकल रही है लेकिन शाम तक सूख जाएंगे। तो एक एक करके इनको सुखा दिया है। और अब बाहर से आवाज़ इतनी आ रही होंगी आपको वीडियो में बाइकों की, तो प्लीज़ इग्नोर करें। तो ये सारे कपड़े मैं डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और इतने सारे कपड़ों का मतलब ढेर लग गया था, तो अब दोस्तों मैं कुछ और नहीं दिखा पाई अपना घर का रूटीन। तो शाम को बना रही हूँ मैं दाल, तो सुबह बनाया था साग और शाम को बना रही हूँ दाल। तो काफ़ी सारे मेंबर हो गए थे घर में, तो साग भी ख़त्म हो गया था। और मतलब अब शाम को मैं दाल बना रही हूँ, तो उसके लिए ये मसाले हैं, हरी मिर्ची, टमाटर और मसूर की दाल बना रही हूँ। तो ये मैंने मसाले कटोरी में डाल लिए हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया और ये गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ मैंने इसमें डाल दी हैं। अब बनाने रख देती हूँ दाल। तो कुकर में पानी रख दिया है, वो गरम हो गया है, तो अब डाल देती हूँ दाल। धुल करके दाल को मैंने डाल दिया है और अब इसमें डाल देती हूँ ये खड़े मसाले, जो कि इस तरह से डालने से बहुत ज़्यादा खुशबू वाली दाल बनती है। और ये डाल दिए हैं सूखे मसाले और ये धनिया जो भी मैंने बताया अभी आपको। और अब डाल देती हूँ टमाटर और ये हरी मिर्ची। तो काफ़ी इजी हो जाता है, इस तरह से दाल बनाती हूँ। तो इसमें भी मैं 2 सीटी लगा दूँगी, 2 सीटी में मेरी दाल एकदम से मैसी हो जाएगी अच्छी वाली। तो आप देख सकते हैं 2 सीटी लग गई है मेरी दाल में और दाल एकदम से अच्छी पक गई है। और इस तरह से दाल बनाती हूँ तो टमाटर साथ के साथ ही पक जाते हैं, उसमें छौंके छौंके लगाने में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो छौंका मैं डाल दिया मैंने जीरा, लहसुन, प्याज और ये 2 खड़ी लाल मिर्च। अब मैं दाल में लगा देती हूँ तड़का। तो ये मैंने घी में ही तड़का लगाया है, आप देख सकते हैं। तो दाल मेरी हो गई रेडी, और कितनी अच्छी यम्मी वाली दाल बनी है आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है ये दाल। तो आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, चावल कम दे रही हूँ बच्चों को, क्योंकि अभी शादी में से सबकी तबीयत ऐसी हो रही है, तो रोटियां ही बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं बन गई है मेरी दाल, और डाल दी है इसमें हरी धनिया पत्ती। तो कितनी अच्छी दाल बनी है, आई होप आपको पसंद आएगी। और दोस्तों रात का समय था, तो मेरे जेठ जी की मतलब मेरी जिठानी की बेटी का बर्थडे था, तो एक जिठानी ने मेरी ने हलवा बनाया था गाजर का, जो शादी में गाजर बचे हुए थे उनका उन्होंने हलवा बना दिया। और ये हलवा मतलब बर्थडे में काम आया, क्योंकि ये बिटिया का बर्थडे है, तो इसका नाम है भावना और इसका बर्थडे आप देख सकते हैं। और यह है सबसे छोटी वाली बेटी हमारे घर की, तो आप देख सकते हैं इसका नाम रिया है। और इस मतलब इसको बच्चे खिला रहे हैं, तो इसको इस तरह से खिला रहे हैं, ये बहुत खुश रहती है इस तरह से खेलने से। तो आप देख सकते हैं बर्थडे मन रहा है और ये सब मजाक मस्ती कर रहे हैं और इस छोटी वाली बेटी को खिला रहे हैं सब। तो इसका केक कट रहा है, तो ये हरिद्वार में रहते हैं मेरे जेठ जी और मेरी जिठानी, इनका सारा परिवार हरिद्वार में रहता है। तो अभी शादी में आए थे तो यहीं पर हैं अभी। तो इसका बर्थडे था तो बर्थडे में केक कट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी खुशनुमा माहौल है, क्योंकि सभी परिवार के एक साथ हैं और सभी के साथ बर्थडे मनाया जा रहा, तो और खुशी होती है। तो आप देख सकते हैं इसका बर्थडे भी मना रहे हैं हम। और हलवा बनाया था, वो हलवा भी सबको बांटा है, केक खिलाया है फिर हलवा बांटा है सबको। तो सारा परिवार एक साथ हो तो कितना अच्छा लगता है, कितना मन लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी, आई होप आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।